Assalamu alaikum everyone. A very very happy Eid Mubarak to you all. And this is the preparation for my Eid, and I've been doing this for I think since morning. And today, like, I did a whole lot of work in the morning, so which is why I'm coming a little late. So this table is full of so many things, and like thode thode der baad sab kha bhi rahe hain, so many of the items are like getting less. Like shami kebab गायब होते जा रहे हैं आते जाते, कुछ गेस्ट आ रहे हैं वो भी खा रहे हैं. तो मैं दिखाती हूँ जो आइटम्स मैंने बनाए हैं. आई थिंक नेक्स्ट क्लिप में मैं सारा वो भी बताऊंगी कि जो मैंने इसको कुक किया है पूरा स्टेप बाय स्टेप. और क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि शायद मुझे कुकिंग आती है नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सारा तो नहीं, शामी को आप तो मेरी बेटी ने बनाए हैं. ये शीर कौरमा, सेवैया और बिरयानी और सैंडविचेस मैंने खुद बनाए. सैंडविचेस का आई थिंक मैंने क्लिप नहीं शेयर किया, लेकिन बाकी सब चीज़ें मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप शेयर की हैं. सो यू विल बी एंजॉयिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लिप ऑनवर्ड्स. अच्छा, मैं अपने क्लोजअप पे मेहंदी दिखाती हूँ, बैंगल्स दिखाती हूँ, इयर रिंग्स दिखाती हूँ, अपनी चूड़ियाँ जूतियाँ सब क्लोजअप में दिखाओ. ये रहे मेरी पूरी चूड़ियाँ, ये रही मेरी मेहंदी, एंड आई एम लविंग दिस झुमका. दिस सिल्वर झुमका इज एक्चुअली पुलिंग अप दिस एंटायर कलर एंड द एंटायर शर्ट. अच्छा, ये मेरी पैरों की मेहंदी और पैरों की चप्पल है, विच इज इन गोल्ड कलर. और मेहंदी इज ऑल्सो वेरी नाजुक एंड प्रिटी. सो दिस इज माई कम्प्लीट ड्रेस फॉर फातिमा, नॉट फॉर के डॉट फातिमा. के डॉट फातिमा का ड्रेस मेरा थर्ड डे आएगा, ये फातिमा वाला ड्रेस है. तो इसकी सारी क्लोजअप दिखा दो. जो टेबल की प्रिपरेशन है, इसको हम दोबारा रीअसेंबल कर रहे थे बार बार. इसको इसमें से चीज़ें लोग खा रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर इसको दोबारा रीअसेंबल, क्योंकि जब मैंने अपडेट करना है अपने पूरे ड्रेस के साथ तो टेबल रेडी होनी चाहिए. तो एनीवेज इसको पुट टुगेदर कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट माई ईद प्रिपरेशन. उसके बाद सारा टाइम होगा गेस्ट के साथ या आउटिंग के साथ. कल का दिन तो मैं रेस्ट करूँगी, थर्ड डे तो मेरा के डॉट फातिमा का ड्रेस आएगा. नेक्स्ट क्लिप से आपको बहुत मजे मजे के इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो देखने को मिलेंगे. फाइनली आई एम डन विद ऑल टेबल एंड एवरीथिंग. बीच में मेहमान आते भी गए, खाते भी गए, बट हमने उसको दोबारा रिस्टोर किया, इसीलिए शामी कबाब जो है ना इधर उधर हो गए, आते जाते भी खत्म हो गए. एनीवेज बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब लोगों को. उम्मीद है कि सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी. मैं शेयर करती हूँ जो आइटम्स मैंने बनाए हैं, स्पेशली बिरयानी. क्लोजअप से दिखाओ, बिरयानी मेरी बनी हुई है मेरे हाथ की. शामी कबाब मेरी बेट के हाथ के बने हुए हैं, ये मीठा मेरे हाथ का बना हुआ है, एंड दीज सैंडविचेस आर ईद मैंने खुद बनाए हैं. ये मेरे स्पेशल होते हैं ईद के टाइम. एक दो चीज़ें होती हैं जो मैं बनाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला बनाना. फ्रूट क्रीम भी बनाती, कस्टर्ड भी बनाती, तो बहुत सारे और काम करने थे जिसकी वजह से मैं इतना ही टेबल सेट कर पाई. इसके बीच में भी चीज़ें खाते जा रहे हैं, ख़त्म होती जा रही है, तो दोबारा रिस्टोर करना कि मैं पूरा प्रिपरेशन के साथ आऊँगी तो फिर दोबारा सेट करती हूँ. तो ये तो ईद वाले दिन चलता रहता है. अच्छा, मैं अपना पूरा ड्रेस दिखा दूँ. अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है. एनीवेज दिस इज़ ऑल अबाउट माई ईद अपडेट. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला करे हम सब के रोज़े और इबादत कबूल हों. मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा. लव यू, बाय, अल्लाह हाफिज़.